हेलो पाइसिस, कैसे हैं आप लोग? पाइसिस राशि वालों, कैसा रहने वाला है फेब्रुवरी का महीना आप लोगों के लिए? देखो, सबसे पहली चीज़, जो भी बुध देव हैं, ठीक है, बुध देव जो आपके राशि लॉर्ड बनते हैं, आपके फोर्थ हाउस के और आपके सातवें भाव के, ये अब जाने वाले हैं आपके इलेवेंथ हाउस में, जो कि पॉजिटिव माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा. किन किन क्षेत्रों में? कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम चाहते हो, माता से संबंधों में दिक्कत थी, आपकी मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर कब अच्छा पैसा कमा पाएंगे, आपके पार्टनर का स्पाउस का करियर कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों में वृद्धि होगी, पॉजिटिविटी देखी जाएगी, लाभ होगा. और आपका कोई खुद का व्यापार है, बिजनेस है, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी. साथ ही साथ आपकी एजुकेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी. अब ये सारी चीज़ें होंगी 7 फरवरी के बाद में. 7 फरवरी के बाद में आपको इन सारे क्षेत्रों में सक्सेस और ग्रोथ देखने मिल जाएगी, अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिविटी दिख रही है. वहीं साथ ही साथ में एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ शुक्रदेव, जो आपके थर्ड हाउस और एट्थ हाउस के मालिक बनते हैं, वो कहीं ना कहीं 15 फरवरी के बाद में आपके लग्न में आ जाएंगे, जो ये शुभ माना जाएगा. इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ स्पेशली स्पेशली देखो, थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं 15 फरवरी के बाद में. सेहत का अपना ध्यान देना है, डाइट का अपना ध्यान देना है, ज़रूरी है. लेकिन साथ ही साथ जितने भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, एब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए शुभ एनर्जीज बन जाएंगी. पूरा फरवरी महीना शुभ है, एब्रॉड में स्टडीज़ करने के लिए, जाने के लिए अच्छा माना जाएगा, नो प्रॉब्लम. वहीं साथ ही साथ में अब आपकी मैं बात अगर कर लूँ, सूर्यदेव का गोचर होने वाला है आपके 12वें हाउस में. ये गोचर एक ऐसा माना जाएगा जो जीवन में, आपकी लाइफ में, करियर के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग लाभकारी होगा, बट न्यूट्रल रहेगा. अब देखो, स्थिति ऐसी बनी हुई, स्पेशली बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस व्यापार वालों के लिए अच्छा टाइम है. पाइसेस, जितने भी लोग जॉब सेक्टर में हैं, जॉब सेक्टर में न्यूट्रल एनर्जीज रहेंगी. कुछ खास बिग प्रमोशंस वगैरह नहीं दिख रही हैं, लेकिन हाँ, जॉब नहीं थी तो भैया जॉब मिल जाएगी, स्टेडी ग्रोथ बनी रहेगी. कुछ खास बिग चेंजेस नहीं मुझे दिख रहे अभी तक. लव लाइफ न्यूट्रल दिखाई पड़ रही है, एंड मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट है. पर्सनल मैरिड लाइफ में अच्छी एनर्जी देखी जाएंगी, क्योंकि शुक्रदेव ऊंच के होकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये अब आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव करता हुआ दिख रहा है मैरिड लाइफ को. लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, लेकिन तब भी बुध देव की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, तब भी मैं कहूँगी न्यूट्रल रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, ना बड़ी अच्छी ना बहुत बुरी. एंड ऑल्सो मैरिड लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि शुक्रदेव शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी विद गुरु, तो ये एक अच्छा गोचर आप लोग के लिए फेवरेबल माना जाएगा. पाइसेस, अब हम आगे भी देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज और मैसेजेस दे रहे हैं आप लोगों के लिए. ओके, सो यहाँ पर लव एंगल में रिकंसिलिएशन के कार्ड्स आ गए, पॉजिटिविटी दिख रही है. लव लाइफ में रिकंसिलिएशन, हीलिंग, एडजस्टमेंट आती हुई दिख रही है. सो ऑल ओवर लव लाइफ के लिए पॉजिटिव दिख रहा है. यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, मेडिटेशन, योगा, कोई डिसीजन लेना हो तो अपने जो आपके बॉस हो गए, कोई मैनेजर हो गए, बड़े हो गए जीवन में, कोई गुरु हो गए, किसी ना किसी आपके क्षेत्र में जो भी आपसे बड़े हों, उनकी राय लेकर, एडवाइस लेकर डिसीजन लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा. जॉब ऑफकोर्स आती हुई दिख रही है, जॉब रिलेटेड पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, सक्सेस देखी जा रही है. अब बात कर लेते हैं, कुछ दो ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में फेब्रवरी मंथ में कुछ साथ साथ में ऐसी एनर्जी चलेंगी जहाँ आपको लगेगा भैया आप स्टक हो. कुछ आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी लाइफ में, वो वैसी वर्कआउट नहीं हुई है, कुछ और ही कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, और कुछ शायद जो आपने दिशा सोची थी वहाँ काम नहीं बन रहा, भगवान आपको कोई अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है. तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. अगर आपने जो प्लान बनाया वो वर्कआउट नहीं हुआ है, तो जो भगवान आपके लिए प्लान करेंगे वो आपसे सोच से भी बढ़कर बहुत अच्छा होगा. तो वो मन में विश्वास रख के चलिएगा. कई बार होता है ना जीवन में, हमारे हाथ में हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है. कुछ है भैया, कुछ चीज़ें नहीं है. जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता मत करना, और अपनी विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी रखना, आपके लिए अच्छा माना जाएगा. कुछ आपको अपना पर्सपेक्टिव इस महीने बदलना होगा कि भैया जो लाइफ में चीज़ अच्छी चल रही है उस पर ध्यान दो, जो चीज़ नहीं चल रही उसको छोड़ दो, उसका दुख मनाकर, उसको पकड़कर कुछ मतलब नहीं है. और देखो, आपको लग रहा है अगर आप किसी जॉब में बड़े टाइम से फंसे हुए हो, आप किसी रिश्ते में, किसी के बंधन में बहुत टाइम से फंसे हुए हो, ग्रोथ भी नहीं हो रही है, स्टक लग रहा है, नेगेटिव वाइब्स आ रही है, प्यार से ज़्यादा तो भैया तनाव यहाँ होता है,
तो भैया खुद आपको सोचना पड़ेगा, या तो देखने का नज़रिया बदल लो। आई नो इट्स नॉट ईजी, आई नो इट्स नॉट ईजी इस टाइप का डिसीजन लेना लाइफ में, लेकिन तब भी मैं आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हूँ। या तो बदलाव नहीं ला सकते तो उसको एक्सेप्ट कर लो और खुद की खुशी ढूंढना शुरू हो जाओ। अगर बदलाव ला सकते हो तो बिना सोचे समझे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया गए कहेंगे, सब गए डैश भाड़ में, जो सोचना है सोच लो, लेकिन खुद की लाइफ, जीवन एक बार मिला है, उसको व्यर्थ मत करो ये सोच सोच कर कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उसको हर्ट मैं ना करूँ, उसको हर्ट मैं ना करूँ, किसी को भी मैं दुख ना पहुँचाऊँ, सारा दुख मैं खुद झेल लूँ और सबके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, ये कभी कभार ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तनाव अब आपके जीवन में ज़्यादा दिख रहा है, ये तनाव आपने इतना नहीं लेना है। कुछ तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स अपने लिए कम कर लो, कुछ तो कहीं ना कहीं अपने लिए खुशी ढूंढ लो। जब अपने पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देखना शुरू करोगे ना, शायद कुछ जवाब आपको मिल जाएंगे, शायद कुछ गाइडेंस आपको मिल जाएगी, और शायद आपको एक रास्ता दिख जाए जब आप सेल्फ लव की आंखों से देखोगे, खुद को प्रायोरिटी रख के सिचुएशन को जब देखोगे, खुद को सबसे टॉप पर समझ लोगे कि भैया हम किसी से कम नहीं, हम बेस्ट डिजर्व करते हैं, तब शायद आपको सिचुएशन समझ में आएगी, तब शायद हक से बिना गिल्ट के अपनी खुशी के लिए सही फैसला ले पाओगे। नहीं तो सोचते रह जाओगे दूसरों की खुशी में, दूसरों को बुरा ना लगे, दूसरों को क्या करना चाहिए। हम मनुष्य भी कैसे हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन तब भी मन में विचार आ ही जाते हैं, अरे भाई हम ये कर लें लोग क्या कहेंगे। कितना भी हम मोटिवेशन सुन लें पर जब करने की बारी आती ना, मन में विचार तो ज़रूर आते हैं। तो इन्हीं विचारों से लड़ना है, इन्हीं विचारों से कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस कार्ड्स आपको दे रहे हैं इस महीने में, तो ये याद रखना, अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखो, खुद को सबसे टॉप पे रखो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्टमेंट करो उतनी हद तक कि खुद की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ आप ख़राब ना करें, उस हद तक। वो हद याद रखिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। सो आई होप पाइसेस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं रीडिंग से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।